हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये भाई राइट एंगल कर रहे हैं जाप का। हम आपको दिखाते हैं कैसे राइट एंगल किए जाते हैं। हमारे जो नए भाई हैं जिनको एलसीएमसी सीखना है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं ये पॉइंट टू का प्रेशर होता है। पहले इसको हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं, गाइड पिन से हम इसको राइट एंगल कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसके बाद यहाँ से उठा के दूसरे सिरे पे जाएंगे हम, दूसरे वाले होल को हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं कितना हमारा जाप टेपर में है, उस हिसाब से हम उसको सीधा रखेंगे। तो हैंडल की सहायता से नीचे जाते हैं और यहाँ पे पॉइंट टू का प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद एक्स में रोटेट करते हैं हाईएस्ट पॉइंट को। हमारा डायल जीरो पे आना चाहिए। जब जीरो पे आ जाएगा तो हम कंट्रोलर में, कंट्रोलर में हमारा जीरो होना चाहिए। तो पहले से भाई ने ठोक के सीधा किया है तो इसके लिए जीरो जीरो दिखा रहा है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे अभी जाएंगे उसे सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पॉइंट सेवन का टेपर है हमारा, मतलब टेढ़ा है जाप, इसको हमको सीधा करना पड़ेगा। इसको इसे राड या मतलब एल्युमिनियम के साथ ठोकते हैं ताकि हमारे जाप को मार न लगे। इस तरह से ठोक ठोक के जाप को सीधा रखते हैं। ऐसी तरह लगातार कंटिन्यू दोनों होल में जा जाके हाईएस्ट पॉइंट चेक करेंगे। जितना भी टेपर आएगा उसको ठोक ठोक के सीधा करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से राइट एंगल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी या राइट एंगल हो या सेंटर हो या ऑफसेट, हमारा जो ऊपर का टॉप होता है उसको थ्रू करने के लिए हमेशा डायल का मतलब पॉइंट टू प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो हमको हाईएस्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा इसको पॉइंट टू प्रेशर में देके ही चेक किया जाता है। अभी देख सकते हैं डायल को टच करेंगे, टच करने के बाद देखिए ये पॉइंट टू का प्रेशर देना पड़ेगा। ये पॉइंट टू का प्रेशर जब देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो भी रीडिंग आएगा परफेक्ट रीडिंग आएगा। दोस्तों आज फिर इसके बाद हम जानेंगे कि होल का सेंटर कैसे लिया जाता है। इसको मूवमेंट करते हैं इसके नीडल को, तो टेढ़ा करके राउंड में सर्कल में उसको उसके ऊपर मिलाते हैं। पहले यहाँ होल के बीचों बीच आ जाएंगे डायल को, नीडल को वहां पे सीधा करके चारों तरफ घुमा के रोटेट करके देख लेते हैं मैनुअली। इसके बाद डायल को सीधा नीचे जाते हैं, वाई में टच करेंगे। दोस्तों कभी भी वाई में टच करना अच्छा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम यहाँ पे भी पॉइंट टू का प्रेशर देते हैं। तो डायल को रोटेट करके चारों तरफ देखते हैं, हैंडल की सहायता से एक्स वाई में रोटेट करके करके, और जहां पे प्रेशर कम रहता है वहां पे फिर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। अभी इधर प्रेशर कम आ रहा है, क्या करेंगे प्रेशर को वहां पे बढ़ाएंगे। देखिए हल्का सा प्रेशर इसको कम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कम करने के बाद फिर वही कंटिन्यू पॉइंट टू का प्रेशर देते हैं। अभी देख सकते हैं प्रेशर में जैसे मैनुअल से हाथ से उसको रोटेट करके कम ज्यादा करके हमारे मेन चीज हमारे होल को डायल को जीरो जीरो करना है। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो कम करना पड़ेगा, कम रहेगा तो ज्यादा करना पड़ेगा। हमारा पॉइंट का जो प्रेशर रहता है जीरो हमारा डायल जाना चाहिए।
इस तरह से हम पहले प्रेशर देने के बाद उसको ऊपरी जो उसका एरिया होता है, जो निडिल के ऊपर जो कवर लगा होता है, उसको रोटेट करके डाल को जीरो पे लाते हैं।